जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव शंकर को जो सबसे प्रिय मास है वो श्रावण मास है, और इस वर्ष श्रावण मास 25 जुलाई दिन रविवार से आरंभ हो रहा है। 25 जुलाई दिन रविवार से श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है। तो आज की इस कथा में श्रावण मास की महत्व के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तथा साथ में हम आपको ये बताएंगे कि श्रावण मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए कि जिससे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सके। तो श्रावण मास भगवान शिव को सबसे प्यारा मास है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। श्रावण मास के महात्म्य के बारे में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने स्वयं बताया है कि जो भक्त श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करता है, उन भक्तों के जीवन में कभी भी कोई कमी भगवान शिव नहीं रहने देते। उन भक्तों की भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सदा रक्षा करते हैं, जो श्रावण मास में सब नियमों का पालन करते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से स्त्रियां सोमवार के व्रत तो जरूर करती हैं। श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में आप आगे हमारे चैनल पर सुनेंगे कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि श्रावण मास का प्रत्येक दिन कोई ना कोई व्रत वाला होता है। श्रावण मास के प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह से भगवान से संबंध बनाया जा सकता है। भक्त के मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए, तो श्रावण मास मनुष्य का बड़ा ज्यादा शुभ करने वाला होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं, वो सब श्रावण मास में सब नियमों के पालन करने मात्र से पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव की सच्चे हृदय से जो भक्त श्रावण मास में भक्ति करते हैं, उनके सभी दुखों का नाश भगवान शिव की कृपा से हो जाता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्रावण मास की भक्ति से संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन मिल जाता है, और विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रावण मास में सब नियमों का पालन करते हैं, उनके व्यापार आदि में कभी भी कोई हानि नहीं होती। इसलिए श्रावण मास सबके लिए प्रिय मास होना चाहिए। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रिय मास तो श्रावण मास है ही, हम सभी मनुष्यों के लिए भी श्रावण मास सबसे ज्यादा मंगलकारी बन जाता है। अगर हम भगवान शिव की इस श्रावण मास में भक्ति करते हैं, तो श्रावण मास में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिनके पालन से भगवान की कृपा मिलती है। तो अब आप वो पूरे ध्यान से उन नियमों को सुने जो कि श्रावण मास में सब भक्तों को पूर्ण करने चाहिए। सबसे पहली बात है कि श्रावण मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। श्रावण मास में जो भक्त सूर्य उदय होने से पहले प्रतिदिन स्नान करते हैं, उन भक्तों के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। माँ लक्ष्मी उन पर सदा कृपा करती हैं। भगवान शिव उन भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इसके पश्चात दूसरी बात आती है कि श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध या जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन श्रावण मास में शिवलिंग पर दूध या जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक कार्य है। इससे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव के इस प्यारे श्रावण मास में सोमवार के व्रत तो अवश्य करने चाहिए। वैसे तो स्त्रियां सोमवार के व्रत अवश्य रखती हैं, लेकिन अगर पुरुषों से भी हो सके तो पुरुषों को भी सोमवार के व्रत अवश्य रखने चाहिए। श्रावण मास के सोमवार के व्रत रखने से भगवान शिव की सबसे अधिक कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद बात आती है गंगा जल की। श्रावण मास में हो सके तो प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन ना हो सके तो कम से कम एक दिन भगवान के शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। माँ गंगा भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर को बड़ी प्यारी हैं, इसलिए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य एक दिन या पूरे श्रावण मास के सभी दिन करना चाहिए। इसके बाद अगले नियम की बात आती है कि श्रावण मास में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय भगवान शिव के इस प्यारे मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।
प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। श्रावण मास में जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में भगवान शिव शंकर की अनंत कृपा होती है। इसके बाद बात आती है कि श्रावण मास में कथा कौन सी सुननी चाहिए, तो श्रावण मास में दो कथाएं विशेष रूप से सुननी चाहिए। पहली तो श्री शिव महापुराण की कथा श्रावण मास में अवश्य सुननी चाहिए और दूसरे श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को भी प्रतिदिन सुनना चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महात्म्य इन दोनों कथाओं को प्रतिदिन सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, दोनों का ही बराबर फल बताया गया है। साथ ही साथ शिव चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान की शिव चालीसा का जो प्रतिदिन श्रावण मास में पाठ करते हैं उन भक्तों की भगवान शिव सदा रक्षा करते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि श्रावण मास में रात्रि में क्या करना चाहिए। श्रावण मास में रात्रि जागरण आप कर सकते हैं। रात्रि जागरण में भगवान शिव के प्रिय मंत्रों का आप जाप कीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, तो रात्रि जागरण में भगवान शिव की भक्ति आप अवश्य कीजिए। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है या किसी कारण से आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो सोते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके आप सो जाइए, इससे भी भगवान की कृपा मिलेगी। तो अब बात आती है कि श्रावण मास में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि श्रावण मास में कभी भी भोग विलास की ओर मन नहीं जाना चाहिए, पूरे श्रावण मास में भोग विलास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि श्रावण मास में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से श्रावण मास में तो विशेष रूप से दूर रहना चाहिए, वैसे तो इन चीजों से सदा दूर रहना चाहिए, लेकिन श्रावण मास में तो इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मीट मांस इत्यादि को भी श्रावण मास में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो मीट मांस और अंडे कभी भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन श्रावण मास में तो इन सब से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। तो अगली बात, हमारे धर्म ग्रंथों में जो बताई गई है कि श्रावण मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस श्रावण मास में झूठ से बचकर रहना चाहिए। और वैसे भी मनुष्य अधिक से अधिक जो झूठ बोलता है उससे कुछ लाभ होता नहीं है, वैसे ही लोग झूठ बोलते रहते हैं, तो विशेष रूप से श्रावण मास में तो झूठ से बचकर रहना चाहिए। ये सब बातें हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इन सब नियमों का आप पालन कीजिए, इन सब नियमों का पालन करने वाले पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की अनंत कृपा हो जाती है। जो श्रावण मास में इन सब नियमों का पालन करते हैं और साथ में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं उन भक्तों के जीवन में भगवान सदा कृपा करते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा में आपको बताया गया है कि श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है, और साथ में हम आपको एक सूचना दे रहे हैं कि श्रावण मास में भगवान की शिव महापुराण की कथा तो सुननी ही चाहिए, लेकिन श्रावण मास महात्म्य की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य के कुल 30 अध्याय हैं, सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर आपको सुनाई जाएगी। 22 जुलाई को पहले अध्याय की कथा, 22 जुलाई को श्रावण मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी, और उसके बाद प्रतिदिन श्रावण मास के एक एक अध्याय की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो इन सभी कथाओं को भी आप अवश्य सुने, इससे भगवान शिव की अनंत कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास की, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।